हेलो स्क्रीन के आगे रख दिया है। विश्व में अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था, कौन सा सिस्टम चलता है वर्ल्ड में ज्यादातर, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, जल्दी लेकर आ दूंगा, कोई टाइम नहीं है, कल आपका एग्जाम है, अभी आपको पढ़ के जाना है। तो इसका हो जाएगा डेमोक्रेसी। क्या हो जाएगा भाई, विश्व में अधिकतर देशों की कौन सी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है, जो आपकी डेमोक्रेसी है इसको किस भाषा से लिया गया, अमेरिकी भाषा, जापानी भाषा, भारतीय भाषा, यूनानी भाषा, तो इसका हो जाएगा यूनानी भाषा, ठीक है। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है दोस्तों, डेमोक्रेसी का अर्थ राजा का शासन, ठीक है, डेमोक्रेसी राजा का शासन, तानाशाह का शासन, लोगों का शासन, यूनियन ऑफ दिस, क्या हो जाएगा इसका, आपका लोगों का शासन, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज है तीनों, जिसने बच्चे ने मेरे से पढ़ा होगा उसको तो ये सब ऐसे लग रहा होगा, ठीक है ना, और लगना भी चाहिए, कुछ मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ की बात हो रही है, इन्होंने लोकतांत्रिक सरकार का टट्टापलट कब करा, ये बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, ठीक है, जो बने थे उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को कब हटा दिया, कब टट्टापलट कब हटा दिया गया, क्या 1995, क्या 1997, क्या 1998 या 1999। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 1999। क्या आंसर हो जाएगा, 1999। चीनी संसद का नाम, अब देखो वहां पे दो नाम आएंगे, दोनों में से किसी में टिक मार देना, एक आ सकता है क्वांगो रेनमिन दाई ब्याओ दियाहू और दाहुई, ठीक है, और नेशनल पीपल कांग्रेस, तो इन दोनों में से जो भी नाम आएगा आप क्लिक कर देना, ठीक है, बाकी और इसकी संसद का नाम इन दोनों नामों से ही जाना जाता है। उसके बाद लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, आप देखो थोड़े एमसीक्यू कर लिए, थोड़े वन वर्ड कर लेते हैं, किसके पास अंतिम शक्ति होती है भाई लोकतंत्र के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए जितनी भी लोग, जनता, जो भी जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने जैसे वो पहले कैंडिडेट होता है, लेकिन जब वो चुन गया, जब वो जीत गया, तो वो प्रतिनिधि बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, जो उन लोगों को, जिन लोगों ने उसे वोट दी होती है उस एरिया के अंदर, उसको वो क्या करता है, अपने आपको रिप्रेजेंट करता है उन सबके अलावा, यही तो होता है। अब पार्लियामेंट के अंदर सारे लोग तो बैठ नहीं सकते, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं जो उन लोगों की सुनता है और वहां पे खुद को रिप्रेजेंट करता है वो 10 लाख लोगों की तरह, समझ आ गया, ठीक है। तो किसके पास शक्ति होनी चाहिए, जो भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, समझ आ गया भाई, जनता का चुनाव प्रतिनिधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं, ये कथन किसने बोला, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये कथन किसके द्वारा कहा गया, तो आपको पता होना चाहिए कथन किसके द्वारा कहा गया, अब्राहम लिंकन, किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन, किसके द्वारा कहा गया, अब्राहम लिंकन के द्वारा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, भारत में आम चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके जल्दी बता दो कितने, 5 ईयर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है सार्वभौमिक व्यक्ष मताधिकार क्या है, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसको क्या क्या है ये, तो दोस्तों देखो इसी से समझानो, वर्ड टू वर्ड समझो, इधर देखो ध्यान से, सार्व यानी सारे, भौमिक यानी जो भी इंडिया पे की भूमि पे रहते हैं, सार्व यानी सारे, भौमिक यानी जो भी इंडिया की भूमि पे रहते हैं, व्यक्ष, व्यक्ष यानी 18+, व्यक्ष यानी 18+, ठीक है, वो सारे लोग जो इंडिया की भूमि पे रहते हैं, जो भी 18+ है वो क्या कर सकते हैं, मत करने का उन्हें अधिकार है, मताधिकार, उनको वोट डालने का क्या है दोस्तों, राइट्स है, ठीक है ना, समझ आ गया होगा, तो 2 नंबर में इसको छाप देना, वो सारे लोग जो भी इंडिया की भूमि पे रहते हैं उन्हें 18+ लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, इसे ही बोलते हैं सार्वभौमिक व्यक्ष मताधिकार, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आता है, भारत में कितने वर्ष पर वोट डाल सकते हैं, भारत में कितनी एज होनी चाहिए कि आप लोग वोट डाल सकते हो, 18 होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद लोकतंत्र में शासक का चुनाव डैश करता है, डेमोक्रेसी के अंदर शासक का चुनाव कौन करती है भाई, जनता करती है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चीनी संसद में नियमित रूप से कितने डैश वर्ष में चुनाव होते, कितने वर्ष में चुनाव होते, तो वहां भी 5 ईयर के अंदर चुनाव होते, लेकिन यही मैक्सिको पूछे तो 6 ईयर के लिए वहां पे चुनाव होते हैं राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मैक्सिको कब आजाद हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, भी आगे बढ़ेंगे। 1930 में आपका मैक्सिको क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। मैक्सिको में कितने वर्ष के बाद राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया कितने वर्ष के बाद होते हैं, 6 ईयर के बाद होते हैं, ठीक है, लिखो जल्दी से इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसे भर देना आ जाए तो वहां पे आसान लग रहा है भाई सब। जिम्बाब्वे कब आजाद हुआ दोस्तों, 1980, कब आजाद हुआ, 1980, जाके वीडियो देख लेना, फिर तो और आसान लगे, फिर जब क्वेश्चन लगाओगे कुछ भी नहीं, सब करा रखा है। कौन सी शासन प्रणाली जनता के प्रति जवाबदेही होती है, आंसरेबल होती है, कुछ भी काम करती है जनता को जवाब देना पड़ता है, तो वो लोकतंत्र के अंदर ही होता है। जाके तानाशाह मांगोगे तो थप्पड़ और मारेगा अलग से, ठीक है ना, जवाबदेही। कोरिया याद है ना भाई, किम जोन। 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ऐसा कौन सा देश है जहां पे 2015 तक वोट देने का अधिकार नहीं था, किसको, महिलाओं को, वुमेन्स को, कौन सा है भाई, तो चैप्टर में पढ़ोगे तो वो है सऊदी अरब। कौन सा है भाई, सऊदी अरब।
उसके बाद भारत में लोकतंत्र के मंदिर का नाम क्या है? भारत में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के टेंपल का नाम आप सोचो तो न्याय, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत करेंगे, वो यहाँ पे जुडिशरी आपके दिमाग में आ रहा होगा न्यायपालिका को, बट वो न्याय का मंदिर है, ठीक है। लोकतंत्र का मंदिर हम संसद को बोलेंगे। फिर क्वेश्चन आता है चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा? चीन में अकाल कब पड़ा? तो दोस्तों 1958 से 61, तो चीन में भयानक अकाल इस टाइम पड़ा था, ठीक है। 19 क्वेश्चन हो गए भाई। इनमें से कौन से देश में फौजी शासन एंड तानाशाही आई थी? ऐसे कौन से देश है जिसमें फौजी शासन और तानाशाही नहीं आई? नहीं आई, ठीक है ना। तो कौन सा देश है? ऐसे बहुत सारे देश हो जाएंगे दोस्तों, इनमें से पूछ रहा है। इनमें से पाकिस्तान में आ चुकी है, बांग्लादेश में आ चुकी है, तो आपका मैक्सिको ही है जहाँ पे नहीं आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है। भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है, मतलब चुनाव की देखरेख कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन में पूछेगा वैसे तो क्वेश्चन, यहाँ भी ठीक है करा दिया आपको, पता होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो यहाँ 6 वर्ष नहीं, यहाँ तो 5 ईयर के लिए होता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। ईवीएम की फुलफॉर्म जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर करके, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए हैं अपने। अब बाकी नेपाल में सरकार का मुखिया कौन होता है? नेपाल में सरकार का मुखिया दोस्तों कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। म्यांमार में कौन सी शासन व्यवस्था है? जो आपका म्यांमार है वहां पे कौन सी शासन व्यवस्था चलती है दोस्तों, जल्दी बताओ कौन सी चलती है? सैन्य शासन। कौन सी चलती है भाई? सैन्य शासन, मिलिट्री रूल, ठीक है। फिर उसके बाद एक वोट एक व्यक्ति यानी वन वोट वन पीपल वन वैल्यू का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्या होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए सभी लोग, क्या हैंडीकैप, कोई हैंडीकैप वोट दे, कोई गरीब वोट दे, कोई अमीर वोट दे, सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसका आंसर लिखाना आप, ये सबके वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। चीनी सरकार को लोकतांत्रिक, हाँ तो कोई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। वहाँ पे यार लोकतंत्र होते हैं, डेमोक्रेसी, मतलब चाइना के अंदर वोट्स होते हैं, मतलब वोटिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, फिर भी वहाँ उसको हम लोकतंत्र देश नहीं बोलते। क्यों क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मेरे हर एक एक बच्चे को पता होगा वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है दोस्तों। किसका शासन है? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी का दोस्तों वहां पे शासन है। इसी कारण क्या नहीं होते वहां पे चुनाव, ठीक है। ओ मतलब वहां पे हम बोलते हैं कि वहां पे क्या नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी, कोई कैंडिडेट खड़ा होगा उससे पूछ के खड़ा होगा, कोई पार्टी वहां पे चुनाव लड़ेगी उससे पूछ के लड़ेगी, सारी चीजें कम्युनिस्ट पार्टी देखती है वहां पे। 1930 से 2000 तक किस पार्टी ने मेक्सिको पर वर्चस्व हासिल कर रखा था और सत्ता में बनी रही? ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने मेक्सिको पर वर्चस्व हासिल कर रखा था? तो उसको बोलेंगे PRI। क्या बोलेंगे? PRI। PRI की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। क्या है भाई? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसने 1930 से 2000, अच्छा देखो मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, वहां पर ये पूछ देगा PRI ने कब से कब तक शासन करा मेक्सिको पर, तो फिर आप लिखोगे 1930 से 2000 तक, ठीक है। आजादी के बाद से किस पार्टी ने जिम्बाब्वे पर शासन किया और कौन शासक था? अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि मान लेगा वहां पे दे देगा जानू पीएफ ने कौन से देश पे शासन करा, तो आप जिम्बाब्वे लिखोगे, या फिर ये पूछ देगा कब तक शासन करा, 2017 तक शासन करा। तो ये सब भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा घुमा फिरा के, लेकिन आएगा यही जिम्बाब्वे पर शासन किया किसने करा था, तो कौन सी पार्टी थी? जानू पीएफ। कौन सी? ये जानू वाली मत समझना, जानू पीएफ। कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। कौन था भाई? रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिम्बाब्वे के मामले में इनमें से कौन सा कथन सही है? जिम्बाब्वे के हिसाब से देखें तो इसमें से कौन सा कथन दोस्तों आपको सही लग रहा है? लोकप्रिय सरकार हमेशा लोकतांत्रिक होती है, इसने बोला लोकप्रिय, यानी जो भी फेमस गवर्नमेंट होती है वो हमेशा क्या, हमेशा के लिए डेमोक्रेटिक होती है, हमेशा डेमोक्रेटिक होती है, तो हम ये नहीं बोल सकते, बेकार भी हो सकती है। सेकंड, लोकप्रिय सरकारें, वही पूछ रहा है, फेमस सरकारें अलोकतांत्रिक हो सकती है? हाँ ये सही लग रहा है, हाँ हो सकती है। अरे लोकतांत्रिक भी हो सकती है, अलोकतांत्रिक भी हो सकती है, कोई एकदम फिक्स नहीं बोल रहा है, यहाँ पे फिक्स बोल रहा है हमेशा लोकतांत्रिक होती है, ये गलत है, यहाँ पे बैलेंस चल रहा है, हो भी सकती है नहीं भी। लोकप्रिय नेता निरंकुश हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। जानू पीएफ जो था पार्टी थी रॉबर्ट मुगाबे, उसने आजाद कराया जिम्बाब्वे को, आजादी की लड़ाई लड़ी, बट उसके बाद भी एक लोकप्रिय थी जानू पीएफ, एक होता है ना फेमस थी पार्टी, फिर भी वो अलोकतांत्रिक थी, तो यहाँ पे पता लग रहा है ना अलोकतांत्रिक हो सकती है, अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन हो गए, 26 27 हो गए, 28 पे आओ। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? नागरिकों के जो भी राइट्स होते हैं उसकी हमें रक्षा करने के लिए किसकी जरूरत होती है दोस्तों? तो किसी देश में, अच्छा ये क्वेश्चन है क्या, किसकी जरूरत होती है भाई नागरिकों की रक्षा करने के लिए? तो यहाँ पे आप बोलोगे स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका, यहाँ पे जुडिशरी की बात होती है, ठीक है, न्यायपालिका,
किस देश में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहती है? तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में बताओ, मैं बता चुका हूँ, ठीक है, बता देता हूँ, चलो इसका आंसर भी चाइना, फिर भी कमेंट करके जाया करो, सब लिख के जाया करो। एस्टोनिया में किस अल्पसंख्यक वर्ग को मतदान करने के अधिकार में समस्या आती है? बोल रहा है कि एस्टोनिया, एस्टोनिया देश के अंदर कौन सा ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी क्लास है, जिसको वहाँ पे वोट डालने में प्रॉब्लम होती है? कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका? रूस हो जाएगा भाई, रूसी अल्पसंख्यक हो जाएगा, रूसी माइनॉरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस देश के अंदर राजतंत्र है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के अंदर तानाशाही है, इसमें कभी सैन्य शासन चलता है पाकिस्तान के अंदर, कभी सेना का शासन हो जाएगा, कभी तानाशाही आ जाएगी। तो सऊदी अरब के अंदर क्या चलता है भाई? राजतंत्र चलता है, ठीक है। 31 क्वेश्चन आपको लगवा दिए हैं, अब शायद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो, ठीक है, कोई नहीं, 2 क्वेश्चन और लगाओ। अगस्त 2002 में किसके माध्यम से पाकिस्तान के संविधान में बदलाव किया? कौन ऐसा क्या आया था जो पाकिस्तान के 2002 में से क्या चीज आई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, लीगल सेशन ऑर्डर। क्या आया था? लीगल सेशन ऑर्डर। और फ्रेमवर्क ऑर्डर बात वो भी ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर या लीगल सेशन ऑर्डर दोनों ठीक है। जिम्बाब्वे की आजादी के बाद 2017 बोल देना यहाँ पे, 2017 का तक किस शासक ने साथ, किस शासक ने राज करा था? तो आपका रॉबर्ट मुगाबे। किसने? रॉबर्ट मुगाबे। बस ये था दोस्तों आपका, जब वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 33 क्वेश्चन, अब आओ 3 मार्क्स वाले पे। लोकतंत्र की, देखो इसमें दो ही क्वेश्चन बनते जाते हैं, लोक, इसमें लोकतंत्र के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा आएगा, तो लोकतंत्र के गुण पूछ लेगा, क्वालिटीज पूछ लेगा, या लोकतंत्र के दोष पूछ लेगा, कमियां पूछ लेगा, नेगेटिव पॉइंट पूछ लेगा। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के बनते करेंगे। उसके बाद ये भी आ सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के किन 4 तत्वों का वर्णन कीजिए? मतलब लोकतंत्र की चार क्वेश्चन लगाएंगे, चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आएंगे। लोकतंत्र मतलब सक्सेस हो जाए, ऐसे क्या कारण है, 4 क्या कारण है? तो ये 4 कारण शुरुआत में ही पढ़ोगे आप, जब चैप्टर पढ़ोगे। मेजर डिसीजन मतलब मेजर डिसीजन यानी बड़े निर्णय, यहाँ पे हो रहा है, बात हो रही है बड़े निर्णय। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड पीपल मतलब इलेक्टेड लीडर्स यानी जो भी चुने गए प्रतिनिधि है, ठीक है, जो भी चुने गए प्रतिनिधि है उनके द्वारा बड़े निर्णय लिए जाए, पहला पॉइंट ये। दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो वो फ्री एंड फेयर हो, ये नहीं आप एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो, आप कंपटीशन तो कर रहे हो बट उसको पहले दबाना चाह रहे हो कि ये क्राइम है, क्रिमिनल है, ये है वो, इस तरीके से आप उसका बुरा प्रचार ना करें, ठीक है, फ्री एंड फेयर कंपटीशन करें। वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन, हर एक बंदे की वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, कोई गरीब वोट डाले एक, कोई अमीर वोट डाले एक, कोई हैंडीकैप वोट डाले एक। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आ जाएगा आपका रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, मतलब आप क्या करो, अधिकारों का सम्मान करो। देखो ये लिखा हुआ है, अधिकारों का सम्मान और कानून से शासन चलना चाहिए और सभी के अधिकारों का आपको सम्मान करना चाहिए। ये 4 चीज़ जिस देश में लागू है उस देश का जो लोकतंत्र है वो सक्सेसफुल होएगा। क्या क्या? निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख डिसीजन लिए जाएँ, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ये अच्छे से मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। सेकेंड 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली 3 बाधाओं का वर्णन करें, ऐसी 3 बाधाएं डिस्क्राइब करो आप डेमोक्रेसी के ऊपर जो क्या आ रही है लोकतंत्र में, बाधाएं बन रही है। तो पहला इलिटरेसी, एक होता है साक्षरता, एक होता है निर्साक्षरता, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको अपने राइट्स नहीं पता, और उसको अपने राइट्स नहीं पता तो उसको कोई भी लीडर आएगा किसी भी हिसाब से, तानाशाही भी आ सकती है। तो ये सब के ऊपर होना चाहिए, अगर डेमोक्रेसी में बाधाएं तो बन रही है, लोग पढ़े लिखे नहीं है तो किसी को भी वोट डाल दे रहे हैं। देखो दो मीनिंग बन सकते हैं, एक कोई लोग पढ़ना पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसको वोट डालनी है, अब पढ़े इलिटरेसी रेट है, बंदे पढ़े लिखे नहीं है, अब उसको जाके वोट डालनी है, वोट ही नहीं डाल पाएगा, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, दूसरा किसी और से डलवाएगा तो फिर चीटिंग हो जाएगी वहाँ, वो अपनी पार्टी को वोट डाल देगा। तो ये पहला। सेकेंड आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता नहीं, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, किसी के पास थोड़े बंदे बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो फिर उनको पैसों का लालच दिया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है तो वोट चली जाती है गलत बंदे के पास। जातिवाद, कास्टिज्म, कास्ट के बेस पे भी सारी बहुत सारी वोट ले ली जाती है कि हम इस कास्ट के हैं, मान लो कोई यादव है और वो यादव सारे बैठे हुए हैं, भाई हम यादव है, हमारी जाति को आगे लेके जाना है, लेके जाना है, सारे वोट दो जाति को, इतना ऊपर ले जाऊंगा, बस गए वोट बैंक में। तो ये 3 चीज़ों के कारण क्या हो जाता है, लोकतंत्र भटक जाता है, डेमोक्रेसी भटक जाती है। दूसरा, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों के पास किन गुणों का होना जरूरी है, मतलब अगर लोकतंत्र को हम सफल बनाना चाहें तो फिर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक नागरिक के पास, वो लोकतंत्र को सफल बना देगा। एक एक नागरिक के पास अगर ये क्वालिटी होगी, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी और सबके अंदर, जब 18 प्लस हम हो जाएंगे, नागरिकों को अपने कर्तव्य मतलब अपनी ड्यूटीज प्लस अधिकार, उसके राइट्स क्या है उसको पता होना चाहिए भाई, उसके क्या राइट्स है, उसके क्या ड्यूटीज हैं,
उसको ये बात पता होनी चाहिए उसकी ड्यूटीज, उसके राइट्स के बारे में, क्या क्या उसके पास राइट्स होने चाहिए। नागरिकों को शिक्षित होना, एजुकेटेड होना जरूरी है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, एजुकेटेड होना जरूरी है। नागरिकों में आपसे सहयोग होना चाहिए, आपसे सपोर्ट करें एक दूसरे को, प्लस में देश प्रेम का भाव होना चाहिए कि देश में अगर कुछ भी गलत हो रहा तो हम खड़े हैं, ठीक है, हम देश प्रेमी खड़े हैं अपने देश के लिए हमेशा। तो ये तीन चीज़ होनी चाहिए किसमें, हर एक नागरिकों में, ये क्वालिटी बिल्ड होनी चाहिए हर एक नागरिकों में, ठीक है। तो तीन नंबर क्वेश्चन में आप ये लिखाना क्या क्या होना चाहिए, कर्तव्य राइट्स पता होनी चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम और आपसी सहयोग होना चाहिए। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा, क्या बन सकता है, लोकतंत्र के प्रमुख गुणों की चर्चा करिए, गुण यानी लोकतंत्र की प्रमुख जो जो क्वालिटीज़ है, लोकतंत्र के प्रमुख विशेषताओं पे चर्चा कीजिए, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, मतलब टोटली क्या बात कर रहा है लोकतंत्र की अच्छाई। तीसरा ही पढ़ोगे, लोकतंत्र शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से कैसे बेहतर है। तीनों क्वेश्चन जो है आपके हिंदी में और एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। डिस्कस द मेन क्वालिटीज ऑफ डेमोक्रेसी, सब में क्या दिख रहा है डेमोक्रेसी की अच्छाई दिख रही है। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स बताने डेमोक्रेसी के। हाउ इज डेमोक्रेसी बेटर देन डिक्टेटरशिप, या जो आपकी तानाशाही से कैसे बेटर है डेमोक्रेसी, प्लस में अदर सिस्टम, अदर सिस्टम कौन से और भी, जैसे राजतंत्र, वास्तंत्र, इन सबसे कैसे अच्छा सिस्टम है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी गवर्नेंस। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे, इतना आपने कर दिया दोस्तों, मजा आ जाएगा, यही है मेन। और पॉइंट को पहले समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। लोकतंत्र में शासक, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि मैं इंग्लिश में भी रीड कर करके पढ़ाऊँ, ठीक है ना, तो आप लोग ट्रांसलेट कर ले, मैं बहुत कुछ बता ही दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अब इंग्लिश मीडियम में तो वहाँ तो लिख ही दोगे कैसे, बस कंटेंट पता होना चाहिए, वो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। लोकतंत्र में शासक जनता का चुनाव करती, चुनाव जनता करती है, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जो भी रूल करता है, जो भी रूलर बनता है, उसका चुनाव कौन करता है भाई, उनका इलेक्शन कौन करता है, पीपल्स करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, लोकतंत्र में शासक को बदल सकते हैं, मतलब हम इसमें डेमोक्रेसी के अंदर में अपने रूलर को अगर अच्छा काम नहीं कर रहा उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, मतलब इसमें संविधान के हिसाब से कानून, संविधान के हिसाब से रूल होता है भाई, ये नहीं कि सरकार भी कुछ भी कर रही है, सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है, संविधान से ऊपर है, सबसे टॉप पे संविधान है, फिर बाकी सब नीचे है। उसके बाद लोकतंत्र के अंदर वन व्यक्ति वन वोट वन मूल्य, मतलब वन पीपल वन वोट वन वैल्यू, मतलब हर एक पीपल की वोट की वैल्यू बराबर है, इस कारण लोकतंत्र बेटर है। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा बनाए रखी जाती है, डिग्निटी, ठीक है ना, डिग्निटी बनाए रखी जाती है किसकी, हर एक पीपल की। लोकतंत्र में बेहतर फैसले होते हैं, मतलब इसमें डिसीजन लेट तो होते हैं, नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा कि डिसीजन लेट होते हैं, बट डिसीजन फिर लेट होते हैं तो बेहतर ही आते हैं, फिर उससे बेहतर कुछ नहीं हो, बेहतर डिसीजन लेट आया। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा जिम्मेवार और जवाबदेह होती है, आंसरेबल होती है, ज़्यादा जिम्मेवार होती है, अगर कुछ काम करती है उसको डर भी लगा रहता है अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हम जवाबदेह नहीं होंगे जनता के प्रति, तो नेक्स्ट टाइम हमारी सरकार नहीं बनेगी, इस कारण लोकतंत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है। लास्ट में लोकतांत्रिक सरकार दोस्तों वैध सरकार है, वैध यानी लीगल सरकार है, ठीक है ना, लीगली काम कर दी है, और ये सरकार अगर लीगल काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम इसको हम हटा सकते हैं। तो ये लिखा होगे बस बहुत है दोस्तों, ठीक है। तो एक अब लास्ट क्वेश्चन रह रहा है इसके अंदर हमारा, कौन सा लास्ट क्वेश्चन रह रहा है कि लोकतंत्र के क्या क्या दोष, क्या क्या कमियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, लोकतंत्र में क्या क्या दोष, क्या क्या कमियां, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, चलो बात करते हैं। चलो लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दीजिए, अभी हमने पक्ष में पढ़ा, यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो पक्ष में या तो विपक्ष, विपक्ष में तर्क के सबसे पहले बात आती है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, मतलब उन्हें 5 ईयर कम, नेता क्या होता है, नेता को 5 ईयर कम लगता है विकास करने के लिए, तो उनको ज़्यादा ईयर चाहिए होते हैं, तो 5 ईयर उनके लिए क्या पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, तो इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, लोकतंत्र में नैतिकता का अभाव, मतलब मोरल का क्या होता है भाई, कमी होती है, अभाव होता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, एथिक्स से खिलवाड़ हो जाते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं, गलत करने लगते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर ये होता है, ठीक है, देखते नहीं हो पार्टी कैसे एक दूसरे पे इंजाम लगाती है। फैसलों में देरी, हर फैसले में क्या होती है, देरी होती है, कुछ भी फैसला लेना है तो टाइम लगता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन चलता है, लोकसभा में, पहले संसदीय समिति में, संसदीय कमेटी में, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति को नहीं लगेगा तो वापस भेजेगा। चुनाव प्रणाली खर्चीली होती है, मतलब पैसा क्या होता है चुनाव में, इलेक्शन में ज़्यादा खर्चा होता है, इससे करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, देखा नहीं, अभी थर्ड चैप्टर आप मेरे से पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि चुनाव के अंदर 3500 खर्चा होता है, 3500 करोड़ खर्चा होता है, लेकिन वो बदल जाता है 3000 करोड़ में, जो कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, और वो पैसा भी 3500 जो खर्च होता है, 3000 करोड़ कर देते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं और फिर वो यूज़ नहीं होता उसका। निरक्षरता, मतलब ये बात कर रहा है दोस्तों इलिटरेसी की, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जनता सही शासक नहीं चुन पाती, सही रूलर को नहीं चुन पाती, जिससे क्या हो पाता है, अच्छे शासन नहीं हो पाता।